नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं वो स्टूडेंट के पर्पज़ से है। कुछ समय से जो संस्थाने हैं और कई राज्य हैं UGC के नियम को फॉलो कर रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट होते हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए। उसके ही पर्टिकुलर टॉपिक को हमने हमारे वेबसाइट ब्लॉग पर जो है बनाया है और उस पर डालने के बाद हम आज इस वीडियो में आपको जो है उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको यहाँ पर देखने वाले हैं और आपको समझाएंगे किस तरीके से वो काम करती है। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होने वाला है लेकिन आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक नया टैब बना दिया है, आप इसके अंदर जाकर जो है सारे टॉपिक इसके देख सकते हैं। हाल फिलहाल हम चलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी पर, यहाँ से शुरू होती है कहानी। और ओवरव्यू क्या है कंप्यूटर का, वेब टेक्नोलॉजी का। आप सभी आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत इजी है। इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं, टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड कंप्यूटर एंड वेब टेक्नोलॉजी हैव बिकम द बैकबोन ऑफ अवर डेली लाइफ्स, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर अगर साइबर स्पेस की हम बात करें तो कहाँ कहाँ चल रहा है, लगभग जहाँ भी आप देखेंगे जो भी डिजिटल वर्ल्ड डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, गेन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेस, साइबर वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है। द आर्किटेक्चर ऑफ साइबर स्पेस बेस्ड होता है मल्टी लेयर्ड मॉडल्स पर, जो कि इंक्लूड हैं फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर पर काम होता है। फिजिकल लेयर आपकी फाउंडेशन लेयर कहलाती है, जिसमें आप इस्तेमाल करते हैं राउटर्स को, स्विचेस को, सर्वर्स को, जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटरों के बीच में। नेटवर्क लेयर्स होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स का हमें पालन करना होता है, जैसा कि आप आम लाइफ में करते हैं, स्कूल कॉलेज में आने जाने का जो समय होता है, एग्जामिनेशन का समय होता है, उस तरीके से ही कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें आप IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर होती है दोस्तों, जिसको आप ऐप कहते हैं। व्हाट्सएप के पीछे की कहानी हो गई है, वो लेयर्स किस पर, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, किस राउटर के थ्रू उस पर सर्वर पर डेटा आ रहा है। लेकिन वेबसाइट, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, जो ब्राउज़र और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप चलाते हैं, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर। और यही है साइबर स्पेस ऑपरेट्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मीनिंग डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इन मल्टीपल लोकेशन, क्लाउड एंड डेटा सेंटर, दो जगह आजकल आपका डेटा पाया जाता है, जो डेटा सेंटर कंपनियां बनाती हैं वहाँ पर और क्लाउड स्टोरेज पर, अलाउ करता है आपको स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और सिक्योरिटी प्रदान करता है। दोस्तों WWW क्या है, लगभग सभी ये जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहा जाता है। आप जब भी वेबसाइट को लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखते हैं www.technologywithvivek.com। अब टिम बर्नर्स-ली सर ने इसको बनाया था, 1989 में ये पहली बार आया था। इसकी जो कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तीन यहाँ पर लिखी गई हैं, HTML जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने सुना होगा कि मुझे URL दे दो, URL दे दो, उस लिंक का URL दे दो, ये यूनिक एड्रेस होता है। हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपको इंटरनेट के द्वारा रिसोर्सेज में प्रदान किया जाता है। HTTP गवर्न्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिट ओवर द वेब, HTTP भी ये बताता है कि किस प्रकार से वेब पर डेटा जाएगा। और HTML है मार्कअप लैंग्वेज, वेब लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जिसके थ्रू आप वेब पेज पर जो लिखा हुआ ये इस तरीके से जो डिज़ाइन ये सब दिख रहा है, ये HTML के माध्यम से ही आपको दिखता है। दोस्तों उसके बाद आ गया एडवेंट, इंटरनेट कैसे आया। इंटरनेट की शुरुआत लेट 1960s में ARPANET ने की, एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसको फंड कर रहा था US का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इनिशियली डिज़ाइन किया गया था ये कम्युनिकेट करने गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। द इंटरनेट ग्रू रैपिडली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ WWW आने के बाद, कमर्शियल ISPs जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपके अभी जैसे एग्जांपल हैं, आप जो भी सिम चला रहे हैं उस सिम की जो कंपनी है वो आपकी ISP है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेट की, 1990s में आ गई थी। इट हैज़ सिंस बिकम एन एसेंशियल टूल फॉर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने लगा है इंटरनेट, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, बिजनेस में, एंटरटेन में, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी लिव एंड वर्क। दोस्तों उसके बाद आ गया है इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा ट्रांसफ़र और गवर्नेंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले ISP चाहिए। आप जो सिम लेते हैं, जिस ब्रॉडबैंड आप जो कनेक्शन लगवाते हैं, वो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर। इसके बाद नेटवर्क आएगा, दीस आर लार्ज हाई स्पीड डेटा नेटवर्क जो कनेक्ट होता है अलग अलग ISP से। बैकबोन प्रोवाइड्स
AT&T Verizon's entity supply the core infrastructure for global data transfer. डोमेन नेम आ गया है, डोमेन नेम सिस्टम, ये वही एग्जांपल है दोस्तों। आपने जैसे लिखा यहाँ पर टेक्नोलॉजी विवेक.com, ये तो वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में आ गई है। एक्चुअल में इसके पीछे एक आईपी एड्रेस काम कर रहा होता है और वह आईपी एड्रेस जो है उसको हम एक नाम दे देते हैं जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। फिर सब मरीन केबल्स का इस्तेमाल होता है। दीज अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स कनेक्ट कॉन्टिनेंट्स एंड प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक। दोस्तों ये सबमरीन केबल्स जो हैं इनको अंडर सी के द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स को कनेक्ट करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जोड़ा जाता है ताकि हमारा इंटरनेट पूरे ग्लोब में चल सके। गवर्नेंस इंटरनेट का क्या है, किस तरीके से सेंट्रलाइज किया हुआ है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, एक आईकैन करके संस्थान है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, यही आपको आईपी एड्रेस और नाम और नंबर असाइन करती है। ये देखिए इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर, आईकैन मैनेजेस आईपी एड्रेस को मैनेज करती है और डोमेन नेम्स को मैनेज करती है, यही डिफाइन करती है कि ये यूनिक रहें और एक ही व्यक्ति को दो चीज़ें सेम ना जाएं। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग इंटरनेट स्टैंडर्ड, ये डेवलप करते हैं प्रमोट करते हैं जो स्टैंडर्ड सेट है इंटरनेट के। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है वेब का और इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल्स को, HTML, CSS, XML, ये जिन प्रोटोकॉल्स के थ्रू आप वेब पेजेस को सर्वर्स को देखते हैं। इसके बाद आ जाता है द इंटरनेट सोसाइटी। सोसाइटी करती क्या है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, 1992 में फाउंड की गई थी। इसका मिशन था प्रमोट करना ओपन डेवलपमेंट को, एवोल्यूशन को, यूज़ करना इंटरनेट का बेनिफिट में सारे लोगों के, ऑल पीपल्स। ISOC वर्क्स टू इंश्योर करते हैं ये द इंटरनेट रिमेन्स एक्सेसिबल रहे, हमेशा सिक्योर रहे, ओपन रहे इनोवेशंस के लिए, फ्री रहे एक्सप्रेशंस के लिए। इट्स की इनिशिएटिव क्या क्या है, इंटरनेट गवर्नेंस ये प्ले करते हैं रोल इन शेपिंग, पॉलिसीज़ बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं इफेक्ट, जिससे कि इंटरनेट की एक्सेस और फ्रीडम ना हो। डिसीजन को इंक्लूजन, ISOC प्रमोट्स एफर्ट्स टू ब्रिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू अंडरसर्व्ड एंड रूरल एरियाज अराउंड द वर्ल्ड। साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इनका भी ध्यान रखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन इसका यह है कि जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजीज का कंबाइंड विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट। As technology continues to evolve, so too will cyberspace and the way we interact with it. The infrastructure supporting the internet alongside governance bodies like ISOC will ensure that the internet remains an open, accessible and secure resources for generations to come. तो दोस्तों ये शुरुआती टॉपिक था उस साइबर सिक्योरिटी के डिटेल्स में, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि बेसिक जानकारी कंप्यूटर की क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है और यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या होता है, WWW क्या कहलाता है, इंटरनेट कैसे आया, कब आया, किस प्रकार से गवर्नेंस और डेटा ट्रांसफ़र काम कर रहे हैं, जो संस्थान है आईपी एड्रेस और ये प्रोवाइड करती है ये कैसे काम करती है, इंटरनेट सोसाइटी क्या है, उसके क्या काम है। ये आज के वीडियो में इतने ही टॉपिक काफ़ी है। इसको शेयर कीजिए जो भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना कंपलसरी है, जो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं उनको आप ये दे सकते हैं। ये सीरीज़ दोस्तों तब तक चलेगी जब तक इसकी पूरी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।